जो व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा? देश में ये दृश्य चल रहा था, सारे भाजपा के सांसद भाग क्यों खड़े हुए? क्या उसकी मंशा थी? क्यों उसने वो अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए? किसकी हत्या करवाना चाहता था? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बीजेपी सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। क्योंकि हमेशा इन्होंने डवर्जन की राजनीति करी है। भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे वो सभी जुमले निकले। गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। जब देश संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी मना रहा था, ठीक उसी दिन फिर से देश के संसद में दो लोग घुसपैठ करते हैं। देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था धराशाही हो जाती है और देश के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो युवा साथी हैं मेरे साथ खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथों में पोस्टर भी देख सकते हैं। जब लोकतंत्र का मंदिर ही असुरक्षित है, किस मुंह से कहते हो देश सुरक्षित है? हमलावरों को संसद भेजने वाले भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर तमाम लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से सरकार दावा करती है देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है? दो लोग घुस जाते हैं वहां पर, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, गृह मंत्री मौन है। इसका सवालों का जवाब जो आपने पूछा, देश सुरक्षित हाथों में है, कल पूरे भारत ने देख लिया। भारत ने यह देखा, संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा? विषय दो का नहीं है, विषय चार थे। वो लोग चार थे, तीन लड़के एक लड़की थी, नीलम। नीलम की जब हमने बैठ देखी हम खुद घबरा गए। एक बेटी, देश की बेटी, उसके सवालों का जवाब नहीं आज हमारे मोदी जी के बाद। भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई पे बात जब वो लड़की कर रही है, खुद पढ़ी लिखी है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है, तो क्या उसके सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए? सिंपल सी बात है। सवाल मेरा ये है कि देश की लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, जिम्मेदारी कौन ले? कौन लेना? अमित शाह को लेनी चाहिए सीधी। अमित शाह का बनता उत्तरदायित्व, उन्हें जो जिस सांसद के पास के थ्रू वो लोग आए हैं, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं बनती? इतना मौन क्यों? अपने लोगों को बचाने का कार्य क्या हो सकता है इनके पीछे? क्या सोच है अपने बंदों को बचाने की? अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी वहीं पर थे, अंदर थे, कुछ खुदा ना कहता उनके 19-20 कुछ लग जाती, मोदी जी के कुछ हो जाता तो कौन जवाबदेही होता? आप देखिए ना, अब पूरे वर्ल्ड ने कल हमारा वो चीज़ देखी है, उन्होंने सवाल किए हैं कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा? दिख तो रहा है कल सब कुछ ठीक है, गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। चार लोग आते हैं संदिग्ध हालत में और जो उनके अंदर उपकरण, उनके साथ वो उपकरण लेके जाते हैं, वो वहाँ पे चला देते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक तो है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो आत्महत्या कर रही हैं, हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और कुछ नहीं छुपा रही है। कल का जो हमला हुआ है बड़ा शर्मसार हमला है, संसार ने देखा है इसको और संसार ने निंदा भी की है इस चीज़ की। शुक्र मनाइए, ये किसी, ये कोई मुसलमान सांसद नहीं था, हिंदुस्तान के कांग्रेस का कोई सांसद नहीं था। अगर ये सांसद मुसलमान होता है, कांग्रेस का सांसद होता, तो आज इन लोगों को, आज उस सांसद को पाकिस्तानी कहकर और पाकिस्तानियों से बम का ये हमला कराने की साजिश कहकर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाती और सड़कों पर जगह जगह उतरती। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं कह रहा खुद गृह मंत्री को सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद इस्तीफा देना चाहिए। पोस्टर लेके घूम रहे हैं कि 2001 में संसद पर आतंकियों द्वारा हमला हुआ था, तब बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद अब जो है हमला हुआ, घुसपैठ हुई, तो भी बीजेपी की सरकार है, क्या कनेक्शन? तो यही कनेक्शन ये है कि सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है और आज तो इस वाली चूक में तो वे जो घुसपैठिए वो संसद के अंदर तक घुस गए हैं। आप बताइए क्या रही है, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, क्या उन्हें परेशानी है कि संसद के अंदर और किस आदमी ने उन्हें अंदर तक पहुँचाया? कार्रवाई होनी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और प्रथम दृष्टि से साफ नजर आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का सांसद शामिल है उन्हें अंदर पहुँचाने में। और जब अंदर खुद सांसद तो उन्हें अंदर साथ नहीं लेके गए, या सिक्योरिटी वालों को उन्होंने कोई अलग से निर्देश तो नहीं दिए थे अंदर जाने के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए। ये एक मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी
हमेशा इन्होंने जुमले देने का कार्य करा। एक कल एक बहुत बड़ा जुमला सबसे सामने आया भी, ये कहते थे ये जो नई पार्लियामेंट है ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट में से एक है। और किस तरह कल जो नंगा नाच दिखा गया, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जाके सरकारें बनाने में व्यस्त हैं, उनको सिर्फ प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार तक सीमित, उनको देश की सुरक्षा, जो भारतीय जो कहते हैं हमारा डेमोक्रेसी का मंदिर जो माना जाता था वही सुरक्षित नहीं, जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन क्या सुरक्षित होंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।